क्या आपको पता है, आप जन्म लिए तब से अब तक इन आंखों से ही इस दुनिया को देखे हो। आपको पता है, हर कैमरे की तरह अपनी आंखों को भी मेगापिक्सल्स होती हैं, और अपनी आंखों से जो देखते हो वो व्यू कितनी रेजोल्यूशन की होती है, जैसे कि हर मोबाइल या पीसी में देखते हो। और क्या आपको पता है, इस दुनिया में इतने सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आपको पता है, इंसान में ऐसा एक ब्लड ग्रुप मौजूद होता है कि वो ब्लड ग्रुप वाले इंसान में कई सारे सुपर नेचुरल पावर्स पाई जाती है। इसी तरह कुछ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक रहना। मैं हूं AF और आप देख रहे हैं फैक्ट जोन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स एक्सप्लोर। नंबर वन, आई शेप एंड इट्स पर्सनालिटी। आप इस दुनिया को इन आंखों से ही देखते हो, और क्या आप कभी इन आंखों को देखा है? नहीं तो अभी तुरंत अपनी आंखों को देखिए। अपनी आंखें चार टाइप्स की होते हैं, जैसे कि राउंड आई, आलमंड आई, हुड आई एंड अपटर्न आई। अगर आपकी आंख राउंड आई है तो आप इमोशनल, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव माना जाता है। अगर आपकी आंख आलमंड आई है तो आप काम, काइंड स्पिरिट, अफ्राइड अबाउट चेंजेस, एम्बिशियस माना जाता है। एम्बिशियस का मतलब ये है कि सक्सेस। आपकी आँख हुड आई है तो आप ओपन माइंडेड, चिल, काइंड किस्म के इंसान, यानी कि हमेशा शांत हो। आपकी आँख अगर अपटर्न आई है तो आप मोटिवेटेड, ट्रू आइज और एक्सट्रोवर्टेड हो। एक्सट्रोवर्टेड यानी कि सोशल, मतलब आप हर किस्म के व्यक्ति के साथ घुल मिल जाते हो। और क्या आपको पता है, हमेशा इस दुनिया में इतने सारे टाइप्स की आई होती है, और इनमें लकी आई है कि आलमंड आई। नंबर टू, मेगापिक्सल ऑफ आई एंड इट्स रेजोल्यूशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अपनी आई की मेगापिक्सल कितनी है। अगर आप ना देखा है तो ऊपर आई बटन क्लिक करके अभी देख सकते हो। तो अपनी आंख करीब 576 मेगापिक्सल की है। क्या आपको पता है अपनी आंख की रेजोल्यूशन कितनी की है? मतलब अगर एक मोबाइल की कैमरा 2 मेगापिक्सल की है तो उस मोबाइल की स्क्रीन या डिस्प्ले की रेजोल्यूशन होगी इतनी। अपनी स्क्रीन में जो देख रहे हो नंबर्स, वही इसका रेजोल्यूशन है। तो अब सवाल आता है कि अपनी आँख की रेजोल्यूशन कितनी की है। मतलब अगर हम अपनी व्यू स्क्वायर समझे तो, यानी कि इतनी रेजोल्यूशन है अपनी आँख। और मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस के लिए एक एग्जांपल बताऊं तो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की डिस्प्ले रेजोल्यूशन होगी। नंबर थ्री, फिंगर अलाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपका हाथ अभी इस तरह रखिए और देखिए किस तरह है आपका हाथ। क्या आपको पता है, आपका हाथ तीन टाइप्स के होते हैं। अगर हम इन्हें ABC समझे तो अगर आपका हाथ ए है, यानी कि रिंग फिंगर इज लॉन्गर देन इंडेक्स फिंगर, तो आप चार्मेस्टिक, एक्सेलेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, अलर्ट और रिस्क टेकर माना जाता है। अगर आपका हाथ बी है, यानी कि इंडेक्स फिंगर इज लॉन्गर देन रिंग फिंगर, तो आप नेचुरली गुड लीडर्स, टेम्परलेस यानी कि कम गुस्सा, नथिंग कैन मेक देम लॉस फेस, और इससे भी बढ़कर नो रिस्क टेकर, यानी कि आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे।
अगर आपका हाथ सी है, यानी कि इंडेक्स एंड रिंग फिंगर एट द सेम लेंथ, यानी दोनों उंगलियां समान लंबाई है, तो आप वेरी केयरिंग, पीसफुल यानी कि शांति, सिचुएशन रिस्क टेकर यानी समय देखकर रिस्क लेना, और उससे भी बढ़कर वेल बैलेंस्ड यानी कि आप जितने भी फिजिकली स्ट्रांग हो तो आप उतने भी मेंटली स्ट्रांग हो। और क्या आपको पता है, इस दुनिया में सिर्फ 5% लोगों के पास ही इन फिंगर अलाइनमेंट होता है। अगर आपके पास है तो आप एक लकी इंसान हो। नंबर 4, हर इंसान में हीमोग्लोबिन यानी ब्लड पाई जाती है। और क्या आपको पता है, हर व्यक्ति में एक यूनिक ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि ए, ए बी, बी, वो ग्रुप। और क्या आपको पता है, एक स्पेशल ब्लड ग्रुप भी होता है और वो कुछ ही इंसानों में ही पाया जाता है, और उन इंसानों में आप भी हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप्स एंड इट्स पर्सनैलिटी। आप सबको पता ही है, ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप के होते हैं, ए, बी, ए बी और वो ग्रुप। और क्या आपको पता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स वाले इंसानों को अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। ये बात मैं नहीं, द स्टडी ऑफ टेम्परमेंट थ्रू ब्लड टाइप नामक एक आर्टिकल के मुताबिक, टकेजी फुरुकावा जो जापान के प्रोफेसर और जनरल फिजियोलॉजिकल रिसर्चर ने 1927 से रिसर्च करके 1930 में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें ये लिखा गया है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ये है तो आप एक सेंसिटिव, इमोशनल, लॉयल, कोऑपरेटिव और क्लेवर माना जाता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप थॉटफुल, एम्पैथेटिक ऑन अदर्स, नेगेटिव पर्सनैलिटी ड्यू टू सेल्फिशनेस, अनकोऑपरेटिव एट ए टाइम। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप गुड पर्सनैलिटी, चार्मिंग, थिंक मोर डीप विथ हाई क्लैरिटी, क्रिएटिव, अगर आप वो ब्लड ग्रुप के हैं तो आप डेयरिंग, आउट गोइंग, और इनकी पेशेंस दूसरों के मुताबले 50% कम होता है। पेशेंस मतलब सबर। हमारे इस ब्रह्मांड में कितने सारे बदलाव हो जाए, आप एक काम कर रहा मत भूलना, जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि हर नए वीडियोस आप सबसे पहले तुरंत देख सको।